इनले वर्क के बारे में आप बताइए कि इनले वर्क होता कैसे है, क्या है जानकारी? जी 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 बहुत सारे मटीरियल में हाँ अच्छा सी शेल ओके जी 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 अलग अलग मटेरियल्स रहते हैं। और अब कब से ये इनले वर्क, और ये आपका आप मैं पढ़ रहा था आपके फैमिली में आपके पिताजी से आपने, तो कब से आपके उसमें चल रहा है सर? बाप रे बाप रे बाप रे। और आपका कितना आपके कहाँ पर वर्कशॉप रहता है, और कब से यू नो ये जैसे अब ये हाथी बहुत ही ब्यूटीफुल आपका बनाया हुआ है, ये जैसे इसकी नज़ाकत कैसी रहती है इसको काम करने में, मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि कितनी मेहनत और कितना उसका काम रहता है। मेहनत का तो काम सारा है, नहीं कोई भी आइटम दे दीजिए आप, सारी आइटम मेहनत से बनती है जी। तो मतलब हैंडीक्राफ्ट का काम ही मेहनत का है जी, इसमें जब तक दिन नहीं लगाते इंसान कुछ नहीं मिलेगा जी, डूब जाना पड़ता है, कल जाके इसमें काम लगी जी जी, जैसे हम पूरा डूबे हुए हैं इस काम में डूब जाना पड़ता है जी, काम लगी मिलती है। मैंने छोड़ दूँ, मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है, हौसला बहुत रखना पड़ता है, इस चीज़ की हमारी कमजोर नहीं है। हाँ हमारी तो यहाँ पे बन जाती है पहले, हाँ में तो पहले ही बन जाती है जी, तो इसलिए और सर ये रोजी रोटी का जैसा सवाल है, ये इससे आपको कैसा लगता है कि फ्यूचर किस तरीके का है, और यू नो एक आर्टिस्ट को सर्वाइव करना इजी है और मुश्किल है, डिफिकल्ट है, कैसा आपका? ऐसा बेटा आपको तो मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि ये तो टैक्स वगैरह बहुत है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी, तो टैक्सों का माफ होना चाहिए, कोई भी हैंडीक्राफ्ट में अपने अपने काम के बारे में कहता हूँ, कोई भी हैंडीक्राफ्ट हो लकड़ी दे दीजिए या कोई भी हैंडीक्राफ्ट उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं करना चाहिए जी, इसी क्या होगा बड़ा सस्ता बिकेगा, आधे आधे लोग तो इसलिए भाग जाते हैं सेल टैक्स नहीं जाते जी, आइटम महंगी हो जाती है तो सेल टैक्स आने से हमारी आइटम महंगी हो जाती जी, ये तो वैसे ही महंगा हो जाता जी, काजी करते दो दो सौ रुपये दाल मिल गया तो हाँ हवा पानी भी तो रहेगा जी, दूध की रोटी चाहिए ना, सही बात है जी, अभी तो रोटी चाहिए हैंडीक्राफ्ट के ऊपर से हटा देने चाहिए। अब जैसे आपने बोला आप चौथी पीढ़ी हैं, तो पहले के जमाने में तो सब राजे रजवाड़े लोग हमारे दादा को घर में जी कहाँ पर ये होशियारपुर पंजाब में, अच्छा जी 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 मगर आपको भी सर आपको अवार्ड्स वगैरह काफ़ी मिले, मतलब प्रेसिडेंट वगैरह का भी अवार्ड मिले हुए, तो वो कैसे आपको महसूस हुआ और कैसा रहा? सर इसी काम में मिले हुए इसी काम की वजह से मिले हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं है। और आपको फ्यूचर के बारे में कैसा लगता है, आपके आप पांचवी पीढ़ी भी अब आपकी आ रही है, आपको कैसा लग रहा है कि कैसा रहेगा ये आर्ट, बची रहेगी नहीं बची रहेगी, कैसा है? ऐसा है आज के जो बच्चे हैं ना जी, खोल के दुनिया को देखना चाहते हैं, खोल के मतलब रेड वाइट कलर, रेड तो वाइट कलर बट ये काम जो बहुत मेहनत मानते जी, आजकल कोई किसी की भी आजकल देखो बच्चों को देखो दे आर कंप्यूटराइज बच्चे कंप्यूटराइज है, और वो मोबाइल चलाते हैं जी, हम 1990 में जो इंग्लैंड गए थे तो हमने पहली बार मोबाइल देखा था, हमने यहाँ पे बोला था ना हाँ ये लेडीज बात कर रही थी मोबाइल में, हाँ उसने घर में अपने बच्चों से बात करी, हाँ तो वो बोलते थे ये मैं बेबी बना रहा पागल बना रहा है, हाँ
जी 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 उसी तार गांधी मैंने बोला तार को चीनी में पसंद जा रही थी अभी यानी भैया के पास भी अब देख लो आप छोटे जो पूरा घर है वो भी रहते हैं जी तो मैंने बोला कि वहाँ पे दीवारों से पैसे निकालते हैं अभी है नहीं एटीएम हाँ 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 एटीएम लगा नहीं जगह जगह पे हाँ नहीं 100 200 और सर आपकी जैसे ये यहाँ पर काफी भीड़ वगैरह इकट्ठी हो रही है तो आपको लोग बाय करते हैं आपको क्या उसमें और भावताव भी बहुत करते हैं जी 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 तो आर्टिस्ट की वैल्यू जैसे फॉरेनर्स ज्यादा करते हैं कि हिंदुस्तानियों में ज्यादा है हिंदुस्तानियों की तो ज्यादा पैसा है जी अरे बाप रे ये तो बड़ा अलग सी चीज सुनी मैंने अक्सर ये सुनता हूँ कि फॉरेनर लोग ज्यादा सराहना करते हैं और सराहना तो करते हैं और पैसे भी ज्यादा देते हैं जी जी इंडियन हो ना तो जी 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 अच्छा एक बात बताइए अब आप आपकी उम्र होती जा रही है अब ये मेहनत का काम अभी भी आप कैसे मैनेज करते हैं इस चीज को तो आप जब तक हाथ चलेंगे अभी चलेंगे तब तक तो सब ठीक है जब हाथ काफी बन रहे हाथ बन रहे तो कुछ भी नहीं हाथ आकाशे नहीं चलेंगे तो कुछ नहीं चलेंगे नहीं मगर आपके आपके आर्टवर्क सर हमेशा रहेंगे आप हमेशा इन सब आपकी हाथ के कारीगरी में जिंदा रहेंगे ना और गवर्नमेंट की तरफ से जैसे मेक इन इंडिया में आप आए हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से और आपको क्या उम्मीदें हैं एक्सपेक्टेशन है निराशाएं हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या एक्सपेक्टेशन है कि और कैसे प्रमोट करना चाहिए क्या जैसे आपने टैक्स के बारे में बोला एक टैक्स है और भी और कोई हम जैसे लोगों को एटीएस स्कीम देनी चाहिए हम सिखाएंगे जैसे जैसे गवर्नमेंट देती है ना जी जैसे सरकार देती है स्कीम देती है शिष्य की परंपरा है हमारे यहाँ जी 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 हमको कभी नहीं मिलती क्यों क्यों कभी नहीं मिलती हम लोग सच सच बोल देते हैं ना इसलिए हाँ इस सारे अवसर हमसे बुलाए जाते हैं सब हमसे हम सच बोलने वाले लोग हैं ना जी सच्ची बात बोल देते हैं जी और आपका सबसे फेवरेट क्या चीज़ है आपका प्रोडक्ट वगैरह में यहाँ पर मैं तो बेटा पुराने आइटम जो होते हैं जी जी ये टेबल है पुराने आइटमों में ज़्यादा करता हूँ मैं लोग मेरी पुरानी चीज़ें की फेवरेट जी जी चीनी बक्से वगैरह बड़े बड़े बक्से डबली बक्से जो है ना हाँ
अरे बाप रे, ये डाउरी बॉक्सिंग में बड़ा अच्छा। तो आपका स्टूडियो कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में ये नेटफ्लिक्स स्पॉट है और जी ये सेंटर टेबल है, दो बाई दो फुट बाई चार फुट। वाओ, ये घोड़ा है जैसे। अरे वाह, लॉस वेगास में जिंदा घोड़े से ही घोड़ा था ये। हाँ, 8 फुट का घोड़ा था ये, 7 फुट का जिंदा घोड़ा भी 7 फुट में क्या होगा? 7 फुट। हाँ, ये 8 फुट का था। 8 फुट का अब्बा, उससे भी 1 फुट ऊंचा था। ओ बाबा, जिंदे घोड़े से लॉस वेगास में भी क्या है, 2 गार्ड भी नहीं है। जी 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 जी, 8 फुट के 2 आदमी भी नहीं है। ये बड़ी काम कर रहा हूँ, ये दरवाजे अपना बोल दो जी। बहुत ही खूबसूरत है। जी, तो आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर आके लोग आपके हाथी वगैरह सब खरीद सकते हैं कि सिर्फ दिखाने के लिए खरीद सकते हैं ना? जी चलिए, तो मैं वही बोलूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।